अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में हेल्दी लिविंग हेल्दी वेट चाहते हैं? वेरी नाइस, बहुत सारे हैंड रेज आए हैं। तो आप सबको पता है कि पहला स्टेप क्या है इसका? यस सर, बताइए संदीप जी। आत्मानुशासन। आत्म अनुशासन तो चलो एक डिसिप्लिन चीज हो गई, लेकिन पहला स्टेप कैसे हम आगे बढ़ेंगे असेसमेंट इस पे? असेसमेंट असेसमेंट एसेसमेंट, असेसमेंट राइट। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम आज कहाँ खड़े। कहीं भी हम अगर जाने की बात करते हैं तो हमें ये समझना होता है कि आज हम कहाँ हैं, यस और नो। तो उसके लिए हेल्दी लिविंग हेल्दी वेट के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं, उनको हमको चेक करना है अपने लिए, राइट। तो मैं अपना स्लाइड शेयर करता हूँ और आपको कुछ ऐसे हेल्थ पैरामीटर्स बताता हूँ जहाँ पे हम अपना चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक्स बताएंगे जिसको आप अच्छे से चेक कर पाएंगे कि मेरा आज प्रेजेंट स्टेटस क्या है और मुझे आने वाले कुछ दिनों में क्या गोल मुझे लेना चाहिए, राइट। सो ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के बिहाफ पे आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। फ्रेंड्स, प्राइमरी इंडिसेस ऑफ हेल्दी वेट, बीएमआई से सब लोग वाकिफ हैं? कोई बता पाएगा बीएमआई क्या होता है? देखिए दोस्तों, बीएमआई को बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं ओपन आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों जो पिक्चर दिख रही हैं फीमेल की, इसमें क्या डिफरेंस है? आज का वर्कशॉप जो है इंटरेक्टिव होगा थोड़ा, तभी हम इसको फॉर्मूलाज को सबको समझ पाएंगे। इन दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या है? सर, एक फिट लग रही है, एक हेल्दी लग रही है सर। एक फिट, एक हेल्दी है, बहुत बढ़िया। और दोनों का वेट सेम है, दोनों का बीएमआई भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? बॉडी बॉडी शेप डिफरेंट है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बॉडी शेप डिफरेंस है और वेस्ट टू हिप रेशियो। ओके, ये नेक्स्ट है फिर। चलिए बहुत बढ़िया। तो वेस्ट टू हिप रेशियो डिफरेंस है। और देखिए फ्रेंड्स, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो हमारे वेट का और हाइट का एक फॉर्मूला है जहां पे हम हाइट और वेट को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि मेरा बॉडी मास इंडेक्स क्या है। ये बॉडी मास इंडेक्स ये दिखाता है कि आप अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, या ओबेस हैं, या नॉर्मल वेट है आपका अकॉर्डिंग टू योर हाइट। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, वो ये होता है कि जैसे दोनों फीमेल्स, दोनों पिक्चर जो है वो सेम वेट और सेम हाइट पे है, लेकिन फिर भी एक का फैट परसेंटेज ज्यादा है और एक का बोन मास ज्यादा है। लेकिन बीएमआई में हम ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए बीएमआई बताता तो है कि हम कहाँ पे हैं। तो इनिशियल स्टेज पे हमें पता लग जाता है कि हम ओबेस कैटेगरी में हैं, ओवरवेट हैं, नॉर्मल हैं, या अंडरवेट हैं। लेकिन ओनली बीएमआई काफी नहीं होता, इसलिए पिक्चर दिखाया गया। तो बीएमआई, अगर किसी के पास में बीएमआई कैलकुलेटर नहीं अवेलेबल है, तो आप अपना वेट इन किलोग्राम, जैसे स्लाइड में दिख रहा है, हाइट स्क्वायर इन मीटर्स करके और बीएमआई निकाल सकते हैं, राइट। और ये बीएमआई का चार्ट दे रखा है, इस तरह से आप बीएमआई डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन जो है, देखिए एशिया पैसिफिक के लिए बिलो 18.5 अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप अंडरवेट कहलाते हैं, 18.5 से 22.9 आता है तो आप नॉर्मल कहलाते हैं, 23 से 24.9 आता है तो आप ओवरवेट कहलाते हैं, और 25 एंड अबव आता है तो आप ओबेस कहलाते हैं, राइट। एंड 25 एंड अबव आता है तो आप ओबेस क्लास 1, 30+ में ओबेस क्लास 2, और ओबेस क्लास 3 वेरी सीवियर अगर आपका बहुत ज्यादा है। तो हम कहाँ आज खड़े हैं ये हमें चेक करना है अपने वेट और हाइट के मेजरमेंट से। ये अभी किसी ने बताया था कि बॉडी शेप डिफरेंट है, तो बॉडी शेप दो तरह के होते हैं, एप्पल शेप ओबेसिटी और पियर शेप ओबेसिटी। ये वो लोग फील कर पाते हैं जिनकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट डिपोजिट है, तो उन्हें पता लगता है कि कौन से एरिया के अंदर फैट ज्यादा डिपोजिट है। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पिक्चर्स में सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है कि जो एप्पल शेप बॉडी होती है उसमें जो होता है वो एब्डोमिन के आसपास ज्यादा फैट होता है एज कम्पेयर टू लोअर बॉडी पार्ट, और जो पियर शेप बॉडी होती है उसके अंदर एब्डोमिन फैट कम होता है लेकिन लोअर बॉडी पार्ट स्पेशली हिप्स और थाइज एरिया में फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है। इसको सीधा सीधा बोले तो जिनका वेस्ट लाइन से ऊपर अगर फैट डिपोजिशन ज्यादा है तो वो एप्पल शेप बॉडी कहलाती है, और वेस्ट लाइन से नीचे अगर डिपोजिशन ज्यादा है तो वो पियर शेप कहलाती है। तो ये एक दूसरा पैरामीटर है जहां पे हमें चेक करना है कि हमारा बॉडी शेप कैसा है। उसके बाद में ये वेस्ट टू हिप रेशियो अभी किसी ने बताया था, WHR। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी वेस्ट मेजरमेंट जो होता है, जो हमारा नेवल पॉइंट होता है, वहां से हम लोग वेस्ट मेजरमेंट करते हैं, और जो हमारा हिप का जो वाइडेस्ट पार्ट होता है वहां पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं और उनका जो रेशियो निकालते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन ये है कि मेल और फीमेल का डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। मेल्स में अगर greater than 1 अगर आता है, यानी कि वेस्ट लाइन का मेजरमेंट ज्यादा है हिप लाइन से, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं, और अगर वो 0.9 तक भी है तो वो रिस्क पे हैं, लेकिन अगर 0.85 से कम है तो वो 0.9 से कम है तो वो
नॉर्मल है, और फीमेल्स में ये रेशियो अगर 0.85 ज्यादा है तो वो हाई रिस्क पे कहलाते हैं। ये देखिए पिक्चर में बता रखा है कि वेस्ट को हमको कहाँ से मेजर करना है और हिप्स को कहाँ से मेजर करना है। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेचुरल वेस्ट इन बिटवीन द लोएस्ट रिब एंड द टॉप ऑफ द हिप बोन, उसके बीच में होता है वेस्ट लाइन जो होता है वो, और बेली बटन से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और नेरेस्ट पॉइंट जो होता है आपके एब्डोमन का वहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हिप का एक ही है कि जहाँ पे आपका हिप का वाइडेंस सर्कमफेरेंस जहाँ पे है वहां से इसको मेजर करना है और उसको डिवाइड करना है, तो वेस्ट टू हिप रेशियो निकलता है। तो यहाँ पे जब बीएमआई में कैलकुलेशन होने के बाद भी हम ये नहीं पता कर सकते थे कि ये सेम बीएमआई है तो कौन सा ओवरवेट है और कौन सा वो है। तो कई बार क्या होता है कि एथलीट बॉडी होती है तो उसमें वेस्ट टू हिप रेशियो ज्यादा सही तरीके से हम आकलन कर सकते हैं उसका एज कम्पेयर टू बीएमआई। तो बीएमआई जानने के बाद में हमें WHR जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है बॉडी फैट परसेंटेज। जैसा कि आप उन दो पिक्चर में देखा था आपने, तो बॉडी फैट परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल्स के अंदर जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो बिलो 20 जो होता है वो अंडर फैट कहलाते हैं, 20 to 30 जो होता है वो हेल्दी कहलाते हैं, और ओवर 30 होता है वो ओवर फैट एंड ओबीस कैटेगरी में आते हैं। और मेल्स के अंदर अंडर 10 जो है वो हेल्दी होते हैं। अब ये बॉडी फैट परसेंटेज कहाँ से हमें पता लगेगा, तो एक स्कैनर होता है, आप जिसके साथ यहाँ पे इनवाइटेड हैं या जो आपके हेल्थ कोच हैं उनसे आप बात करके उनके साथ मिलके अपना बॉडी असेसमेंट कर सकते हैं, वहां पे आप अपना फैट परसेंटेज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो तरह के फैट हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, विसरल फैट एंड सबक्यूटेनियस फैट। ये देखिए पिक्चर में सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि जो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर और हमारा जो इंटेस्टाइन होती है, उन सब के आसपास जो सराउंडिंग में जो फैट होता है वो विसरल फैट कहलाता है। देखिए आप रेड एरो है विसरल फैट। जब विसरल फैट किसी बॉडी में ज्यादा होता है तो ये जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं ये अच्छी तरीके से काम नहीं करते, उन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, इसलिए ओबेसिटी को बहुत ज्यादा नुकसानदायक कहा गया है अपनी बॉडी के ऊपर स्पेशली। और ये विसरल फैट इजीली हमें फील नहीं होता है, दिखता नहीं है, हमारी बॉडी में हिडन होता है ये। क्यों? क्योंकि हमें जो दिखता है वो होता है सबक्यूटेनियस फैट जो बाहर की तरफ होता है। तो विसरल फैट अगर हमारा 9 से कम है तो हम नॉर्मल पे हैं, और अगर 10 या उससे ज्यादा है तो हाई पे हैं, और 15+ है तो बहुत ज्यादा हाई पे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगेन जो आपके ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के जो कोच हैं, हेल्थ बड़ी हैं, उनके साथ मिलके अपना विसरल फैट आप एनालाइज कीजिए कि मेरा विसरल फैट क्या है, और अपना एक गोल सेट कीजिए कि मुझे इस तरीके से यहाँ पे इतना रिडक्शन करना है। तो ये जब बीएमआई आपको पता लगेगा, आपको जब अपना WHR पता लगेगा, आपको जब अपना विसरल फैट पता लगेगा, आप जब अपना बॉडी शेप पता कर पाएंगे, तो बहुत हद तक आपको ये पता लग जाएगा कि एट प्रेजेंट मेरा स्टेटस क्या है और मुझे किस गोल की तरफ जाना है। मसल मास परसेंटेज, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हमारी बॉडी के अंदर मसल मास कितना होना चाहिए। तो एज के साथ में ये वेरी करता है। जब आप देखिए मसल मास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्या होता है कुछ सिडेंटरी लाइफ के लोग होते हैं तो उनकी बॉडी में मसल वेट कम होता है, फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। और उतने ही वेट का कोई अगर बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन है या कोई एथलीट है तो उसके बॉडी में मसल मास ज्यादा होगा लेकिन फैट परसेंटेज कम होगा। तो मसल मास का ज्यादा होना अच्छी बात है और फैट का कम होना अच्छी बात है फैट परसेंटेज का, राइट? तो यहाँ पे एज के हिसाब से कुछ एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से लिखा हुआ है कि आपका मसल मास परसेंटेज अगर आप 36 से लेके 55 की एज में है तो 36 से लेके 40% के आसपास आपका मसल मास परसेंटेज होना चाहिए, और फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए मेन के लिए अगर किसी को याद हो तो बिलो 10, राइट? और फीमेल अगर है तो बिलो 20 फैट परसेंट होना चाहिए, और अबव 30 जो है हमारा मसल मास होना चाहिए 36 to 35 एज में, और उससे कम एज है तो थोड़ा सा और ये रेशियो बढ़ जाता है, 40+ हो जाता है। अब दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हम सब खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है, राइट? कैसे एनर्जी मिलती है कि वो जो फूड है वो हमारी बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होता है। मेटाबोलाइज मतलब बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। इस पूरे प्रोसेस को मेटाबोलिज्म बोलते हैं। जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो मेटाबोलाइज होके हमारी बॉडी के लिए जरूरी एनर्जी क्रिएट करता है। जब वो एनर्जी ज्यादा होती है यानी कि हमको जितनी चाहिए उससे ज्यादा होती है तो वो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट के रूप में डिपॉजिट होती है, और जब वो कम होती है जितना चाहिए उससे कम अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो वो कई बार बॉडी फिर वेट लूज करती है या फिर अंडर वेट कैटेगरी में हम आते हैं या फिर हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है बॉडी को। तो बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए एक रेस्टिंग फेज में, यानी कि हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, इन जितने भी हमारे हार्ट, लीवर, किडनी ये सारे ऑर्गन्स हैं इनको प्रॉपर काम करने के लिए, और हमारी बॉडी को ओवरऑल जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उन सबको कंप्लीट करने के लिए जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए,
वो जो रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को बोलते हैं हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट हर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की एक्टिव लाइफ स्टाइल है तो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर ज्यादा है तो वो हेल्दी वेट को मेंटेन करेगा। और कई बार क्या होता है कि हम लोग सिडेंटरी लाइफ में होते हैं तो हमारा बीएमआर भी कम हो जाता है, और हम लोग बहुत ज्यादा फूडी होते हैं तो खाना भी खूब खाते हैं, तो एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है और आउटपुट कम होता है। तो हमारा बीएमआर जब कम होता है यानी कि बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो जितना भी एक्स्ट्रा वेट है वो पूरा हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है डिपॉजिट एरिया पे जाकर, राइट। तो ये समरी है आज की जो हमने डिस्कस किया, कि हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया, हमने बीएमआई के बारे में जाना, हमने वेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में जाना, हमने हिप सर्कमफेरेंस के बारे में जाना, वेस्ट टू हिप रेशियो जाना, हमने बॉडी फैट परसेंटेज, विसरल फैट, मसल मास एंड बीएमआर। अब आपकी बारी है, क्विक क्वेश्चन। बीएमआई के अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं? क्विकली आप अनम्यूट करके रेस्पॉन्स कर सकते हैं। बीएमआई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? यस, वेट एंड वेट और हाइट। हाइट। वेरी नाइस, वेट और हाइट से हम लोग बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। वेस्ट सर्कमफेरेंस हमें कहाँ से मापना होता है? नेवल पॉइंट से। यस, नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ आवर एब्डोमिनल पार्ट, यानी कि जो हिप बोन जो होती है वहां से ऊपर, और हमारी जो रिब बोन होती है उसकी लास्ट रिब बोन के नीचे का जो पोर्शन होता है इन बिटवीन, उसको हम लोग जहाँ पे बहुत ज्यादा बोन स्ट्रक्चर नहीं होता है उससे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। वहां पे जो हमारा नेवल पॉइंट बेली बटन जो होता है वहां पे हम लोगों को मेजर करना होता है, जो कि हमारा स्टमक मतलब वो जो एब्डोमिनल एरिया है उसका नेरोएस्ट पार्ट होता है। हिप सर्कमफेरेंस हमें कहाँ से मेजर करना होता है? वाइडेस्ट एरिया ऑफ हिप। यस, बहुत बढ़िया। तो जो हमारा वाइडेस्ट पार्ट है वहां से हमें उसको मेजर करना होता है। जब हमारे पास वेस्ट सर्कमफेरेंस भी है पेपर पे लिखा हुआ और हिप सर्कमफेरेंस भी है, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं उनको? वेस्ट आप टू हिप वेस्ट टू हिप रेशियो निकाल रेशियो। सकते वेस्ट टू हैं। वेस्ट हिप टू हिप रेशियो। रेशियो में किसको किस में डिवाइड करना है? वेस्ट मेजरमेंट ऊपर आएगा उसको फिर हिप से डिवाइड करेंगे, राइट। हिप मेजरमेंट से डिवाइड करेंगे। WHR मेन में कितना होना चाहिए? 0.9 से ज्यादा अगर है तो हम रिस्क पे हैं, और 0.9 या उससे कम है तो हम लोग बैलेंस हैं, राइट। फीमेल्स के अंदर यस 0.85, चलिए 0.85 मैक्सिमम लिमिट है। बॉडी फैट परसेंटेज मेन में कितना एक्सेप्टेबल है? यस, अभी बताया था 10% या उससे कम, 10% बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए। विसरल फैट की क्या कैलकुलेशन है? विसरल फैट कहाँ पे होता है? जो ऑर्गन्स है उनके चारों तरफ, उनके साइड तरफ यस, भी होता है। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास जो फैट डिपोजिशन होता है उसे हम विसरल फैट कहते हैं। जब विसरल फैट जब हम लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं तो हमारे विसरल फैट इंटरनल डिपॉजिट होता रहता है, हमें पता ही नहीं लगता है, और हम फोकस करते हैं सबकूटनस फैट पे, और विसरल फैट बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है हमारी बॉडी। मसल मास ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ज्यादा होना किसका मसल मास चाहिए। ज्यादा होता है? एथलीट का एक्टिव पर्सन है उसका। जो एक्टिव लाइफ जीते हैं उनका मसल मास ज्यादा होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जो एक्टिव होते हैं उनका मसल मास, जो सिडेंटरी लोग होते हैं सिडेंटरी लाइफस्टाइल जो जो जिनकी होती है उनका मसल मास कम होता है और फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हमारी यस, बॉडी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसका जितना बॉडी को चाहिए होता है। यस, जितना अगर बॉडी को हम चाहिए बीएमआर से ज्यादा खाना खा रहे हैं, ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं और एनर्जी ज्यादा हमारे बॉडी में जा रही है तो वो क्या होगा? ओबेसिटी होगी। वेट गेन करेगा। और अगर वेट बीएमआर से गेन, कम हम खा रहे हैं तो क्या होगा? वेट लूज होगा। वेट वेट लूज लूज होगा। होगा।